हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस, लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं लोकोमोशन इन प्रोटीज का सेकेंड टाइप, दैट इज बाय सीलिया। इसका मतलब ये स्टूडेंट्स की किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर जो भी ऑर्गेनिज्म आते हैं, अगर उसमें हमको लोकोमोशन दिखाई देता है बाय द सीलिया, तो किस तरीके से इस सीलिया के थ्रू किंगडम प्रोटिस्टा के मेंबर जो है वो लोकोमोशन करते हैं। लोकोमोशन का मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाते हैं। चलिए यही आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। तो एग्जैक्टली ये सीलिया क्या होते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स, मान लीजिए कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है, ओके, मान लीजिए यहाँ पे इस टाइप का कोई एक ऑर्गेनिज्म है जो कि किंगडम प्रोटिस्टा को बिलोंग करता है। तो इसके चारों तरफ जो छोटे छोटे हमको रेशियस टाइप के, थ्रेड टाइप के स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, ओके, तो इन छोटे छोटे स्ट्रक्चर के हेल्प से ये ऑर्गेनिज्म जो है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जा सकता है। इन छोटे छोटे स्ट्रक्चर को, थ्रेड टाइप का जो स्ट्रक्चर है, इसको हम बोलते हैं सीलिया, ओके। तो वही बोला गया है कि जो सीलियम है वो बहुत ही फाइन, स्मॉल एंड थ्रेड टाइप का स्ट्रक्चर होता है, ओके। एंड इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि कैसा दिखाई देता है, तो ये सिमिलर दिखाई देता है जैसे कि फ्लेजेला का स्ट्रक्चर था, ओके। तो वही है, रिसेम्बल्स यानी कि सिमिलर टाइप से दिखाई देता है इस सीलिया का स्ट्रक्चर हमको फ्लेजेला के स्ट्रक्चर से। लेकिन ये जो सीलिया होता है ये साइज में बहुत छोटे होते हैं एंड नंबर्स में भी ज्यादा होते हैं। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देखे थे कि जनरली किसी भी एक ऑर्गेनिज्म के पास फ्लेजेला की बात कर रहे हैं तो वो बहुत लंबे यानी कि लॉन्ग थ्रेड थे, ओके, एंड नंबर्स में 1, 2, 3 मैक्सिमम या बहुत कम ही हो सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं सीलिया की, तो ये साइज में छोटे तो होते हैं, साथ में इनकी जो क्वांटिटी है, जो नंबर है, वो भी बहुत सारे होते हैं, ओके। तो सारे ही सीलिया में होता क्या है स्टूडेंट्स, क्योंकि वो ऑर्गेनिज्म जो है वो मूव करना चाह रहा है फॉरवर्ड, यानी कि एक डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाह रहा है, तो उस कंडीशन में सारे ही सीलिया को जो है कोऑर्डिनेट करके चलना पड़ेगा। कोऑर्डिनेट का मतलब ये है स्टूडेंट्स की, तो मान लीजिए जैसे कि एक ऑर्गेनिज्म हो गया एंड इस ऑर्गेनिज्म के इस धर वाले जो हमारे पास सीलिया है वो आगे बढ़ना चाहते हैं एंड ये वाले सीलिया पीछे बढ़ना चाहते हैं, तो क्या पॉसिबल है? क्या ये ऑर्गेनिज्म मूव कर पाएगा? ऑब्वियसली बात नहीं है। यानी कि सारे के सारे सीलिया को जो है वो कोऑर्डिनेट करके चलना पड़ेगा, ओके स्टूडेंट्स, तब जाकर के ये ऑर्गेनिज्म जो है वो आगे मूव कर पाएगा, लोकोमोशन कर पाएगा। तो इस वजह से इन लोकोमोशन में हमको, लोकोमोशन बाय द सीलिया में दो टाइप के स्ट्रोक्स देखने को मिलते हैं। तो ये दो टाइप के स्ट्रोक्स किस टाइप के होते हैं, वन बाय वन समझते हैं। तो दो स्ट्रोक्स जो हमको देखने को मिलते हैं उनका नाम है इफेक्टिव स्ट्रोक, या इसी को बोलते हैं पावर स्ट्रोक, एंड सेकेंड इज अ रिकवरी स्ट्रोक, ओके। चलिए समझते हैं क्या होता है ये इफेक्टिव स्ट्रोक या पावर स्ट्रोक। तो इस इफेक्टिव स्ट्रोक या पावर स्ट्रोक में होता क्या है स्टूडेंट्स, ये जो सीलिया होती है इस कंडीशन पे, जो ये सीलिया होती है वो बहुत स्टिफ हो जाती है, कड़ी हो जाती है, ओके, एंड क्योंकि ये सीलिया बहुत स्टिफ हो जाती है, कड़ी हो जाती है, इस वजह से जो सीलिया है वो फोर्सिबली यानी कि जबरदस्ती जो है वाटर में पीछे की तरफ मूव करने लग जाती है, ओके, एंड क्योंकि यहाँ पे सीलिया जो है वो पीछे की तरफ फोर्सिबली बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है, इस वजह से ये जो ऑर्गेनिज्म है वो हमको आगे की तरफ फॉरवर्ड डायरेक्शन में देखने को मिलता है। तो जैसे कि स्टूडेंट्स पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जैसे फ्लेजिला में देखने को मिलता है कि फ्लेजिला अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो ऑर्गेनिज्म जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है, ठीक वैसे ही यहाँ पे अगर सीलिया भी बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी तो उस कंडीशन पे जो ऑर्गेनिज्म है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, ओके, एंड यहाँ पे जो सीलिया है वो बहुत स्टिफ हो जाती है, कड़ी हो जाती है, इसका मतलब वो एक रॉड के जैसे बिहेव करती है। तो रॉड मान लीजिए स्टिफ हो जाती है तो क्या होता है कि वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, राइट। तो उसी तरीके से यहाँ पे क्योंकि सीलिया स्टफ हो जाती है, कड़ी हो जाती है, इस वजह से ये सीलिया जो है बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है एंड इसी वजह से रिजल्ट ये देखने को मिलता है कि जो ऑर्गेनिज्म है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करने लगता है, ओके स्टूडेंट्स। तो ये था इफेक्टिव स्ट्रोक या पावर स्ट्रोक। चलिए बात करते हैं रिकवरी स्ट्रोक की। तो इस रिकवरी स्ट्रोक में क्या होता है, जो सीलिया है वो फ्लेक्सिबल हो जाती है, यानी कि जैसे कि इफेक्टिव स्ट्रोक या पावर स्ट्रोक में सीलिया स्टिफ हो गई थी, कड़ी हो गई थी, ओके, यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे जो सीलिया है वो फ्लेक्सिबल होती है, ओके, यानी ऐसे स्टिफ कड़ी नहीं हो जाती है। तो क्योंकि यहाँ पे सीलिया जो फ्लेक्सिबल होती है, इस वजह से जो प्रोटोप्लाज्मिक शीट होती है इस ऑर्गेनिज्म की वो लूज हो जाती है, बहुत ढीली पड़ जाती है, एंड यहाँ पे कोई भी फोर्स जो है वो अप्लाई
नहीं हो पाता है इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। तो इस वजह से यहाँ पे क्या होता है, जो सीलिया है इस सीलिया पे एक फोर्स अप्लाई होता है उल्टा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ओके, इस वजह से क्या होता है, जो ये ऑर्गेनिज्म होता है वो अपनी ओरिजिनल पोजिशन या फिर जो इनिशियल पोजिशन थी उस पर वापस से आ जाता है। यानी कि समझिए क्या हो रहा था इफेक्टिव स्ट्रोक से पावर स्ट्रोक में, कि जो सीलिया थे वहां पे स्टिफ हो जा रहे थे एंड उस सीलिया की डायरेक्शन थी मोशन की वो थी बैकवर्ड डायरेक्शन में एंड जो बॉडी थी ऑर्गेनिज्म था वो सिंपली फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा था। लेकिन यहाँ पे रिकवरी स्ट्रोक में क्या हो रहा है, यहाँ पे सीलिया जो है वो फ्लेक्सिबल है, इस वजह से यहाँ पे जो फोर्स है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं लगता है, वो लगता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ओके, एंड इस वजह से वो ऑर्गेनिज्म जो है वो अपनी ओरिजिनल पोजिशन यानी कि पहले वाली पोजिशन पे पहुंच जाता है। ओके, एंड यहाँ पे हमको एक और चीज देखने मिलती है कि यहाँ पे ये जो ऑर्गेनिज्म है या फिर जो सीलिया है कभी भी रेजिस्टेंस शो नहीं करते हैं वाटर के लिए, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल है। तो पानी जिधर जाएगा तो सिंपल सी बात है यहाँ पे सीलिया भी उसी डायरेक्शन मूव करेगी, कभी भी रेजिस्ट नहीं करेगी जैसे कि हमको रेजिस्टेंस देखने मिला था इफेक्टिव स्ट्रोक या फिर पावर स्ट्रोक में। अगर आप इस चीज को समझना चाहते हैं तो आप ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं जब आप इस मैकेनिज्म को कंपेयर करते हैं रडर के साथ। रडर क्या होता है, पतवार जो आपने देखे नाव के टाइम पे पतवार होती है। ओके, रडर होता है, उसके हेल्प से क्या होता है स्टूडेंट्स, तो ये जो रडर होता है उसके थ्रू आप बोटिंग कर सकते हैं, यानी कि रिवर में आप सिंपली बोट चला सकते हैं, राइट। तो उसमें ये होता है एग्जैक्टली जो बोट होती है नाव होती है वो आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है। एंड ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वहां पे हमको इफेक्टिव स्ट्रोक देखने को मिलता है। इफेक्टिव स्ट्रोक यानी कि पहले क्या है, हमारी नाव जो है वो कड़ी है बेसिकली, तो जब पानी का फ्लो आता है तो क्या होता है जो नाव है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। लेकिन अगर हम इस रडर पर रिकवरी स्ट्रोक उल्टा स्ट्रोक लगाएंगे, ओके, यानी कि हम नहीं चाह रहे कि नाव आगे बढ़े, तो हम अपोजिट डायरेक्शन में अगर रिकवरी स्ट्रोक अप्लाई करेंगे तो रडर जो है, इस रडर को रखा जाता है पानी के सरफेस के ऊपर, उससे क्या होता है जो नाव आगे बढ़ सकती थी क्योंकि अब हमने रडर यानी कि पतवार से उसके अगेंस्ट डायरेक्शन में काम किए या सिंपली वाटर के सरफेस पे टच कर दी रडर को, तो इस वजह से हमारी नाव जो है वो ओरिजिनल पोजिशन पे रह जाती है। ओके, आई मीन इनिशियल पोजिशन पे मिलती है, जैसे कि एग्जाम्पल है पैरामीसियम। ओके स्टूडेंट्स, तो इस पैरामीसियम में किस तरीके से सीलियरी मोशन हमको देखने मिलता है, चलिए डायग्राम से समझते हैं। तो बेसिकली स्टूडेंट्स आप ये डायग्राम देख पा रहे हैं जहां पे हम सीलियरी लोकोमोशन की बात करने वाले हैं। ओके, एंड ये जो एग्जांपल है वो पैरामीसियम ऑर्गेनिज्म के लिए है। तो सबसे पहले डायग्राम में हम देखते हैं कि पावर स्ट्रोक या फिर इफेक्टिव स्ट्रोक क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे ये जो आप सीलिया देख रहे हैं ये बिल्कुल कैसी है, रिजिड हो गई है, स्टिफ हो गई है, कड़ी हो गई है, जिसकी वजह से वाटर का फ्लो किसी भी डायरेक्शन में हो, मान लेते इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो वो वहीं के वहीं खड़ी है। एंड यहाँ पे जो ये रेजिस्टेंस होता है वो मैक्सिमम होता है, इस वजह से जो ऑर्गेनिज्म है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर पाता है। ओके, लेकिन वहीं पे अगर हम बात करते हैं रिकवरी स्ट्रोक के लिए, तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो सबसे कम होता है। एंड मान लीजिए वाटर का डायरेक्शन इस साइड पे है, तो देखिए सारे के सारे सीलिया जो है वो एक ही डायरेक्शन में मुड़ गई है, इसका मतलब यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं जनरेट हो रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था सीलिया के थ्रू लोकोमोशन इन द प्रोटिस्टा ऑर्गेनिज्म। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।